हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है थोड़ा साडे यूट्यूब चैनल पैरी स्टडी ऑनलाइन ते। प्लेइंग विद नंबर चल रहा अपना। आपां एक क्वेश्चन कीता सी टू डिजिट नंबर वाला, एक यूनीक जिहा क्वेश्चन आपां सॉल्व करांगे जिंदे विच थ्री डिजिट नंबर आएगा। पहली बार ये क्वेश्चन आपां सॉल्व करन जा रहे हैं 8th क्लास दे विच, प्लेइंग विद नंबर दे विच थ्री डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन की है स्क्रीन दे उपर आ जाएगा, पर मैनू क्वेश्चन नू पढ़ देना, वैसे ध्यान नाल समझना, वीडियो नू एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो हायर लैवल दे विच जो तुसी कंपीटीशन लड़दे हो, जरूरी नहीं तुहाडा कंपीटीशन सिर्फ स्कूल नाल ही है या क्लास नाल है। ओके, पूरे इंडिया दे विच बहुत सारे बच्चे जो 8th क्लास पढ़ते हैं, तो उन्होंने सारे नाल तुहाडा कंपीटीशन है। अलग बनो, डिफरेंट सोच रखो। ओके, जरूरी नहीं है सारे दे बराबर इक्वल चलना, जो मैथड बाकी बच्चे फॉलो करते हो ही करना। सारे मैथड सही है, सारे मैथड नाल क्वेश्चन आंसर आ जाता है, तुसी कोई अलग जा फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करो। तो मैं क्वेश्चन पढ़दा, क्वेश्चन की है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ थ्री डिजिट नंबर। कोई नंबर है थ्री डिजिट नंबर है, कोई भी हो सकता। मान लो मैं इस तरह लिखा 305, थ्री डिजिट नंबर है। दैट इज़ यूनिट प्लेस, दैट इज़ टेंस प्लेस, एंड दैट इज़ अ हंड्रड्स प्लेस। ओके, अगे की कह रहे हैं क्वेश्चन दे विच, ऑफ विच मिडल टर्म, मिडल वन इज़ जीरो। जो मिडल वाला नंबर है दैट इज इक्वल टू जीरो। मिडल वाला नंबर का इक्वल है जीरो दे। सम ऑफ डिजिट इज एट। कहता जेडे डिजिट है सारे, जे सारे नो आपां ऐड करिए, थ्री प्लस जीरो प्लस फाइव, तो कितना आ गया अपने कोल, एट आ गया। हुण इह क्वेश्चन दे विच की क्या है, एक थ्री डिजिट नंबर है। मैं कोई भी एग्जाम्पल ले ली, वैसे सिंपल एग्जाम्पल ली मैं 305। उन्हें क्या मिडल वाला नंबर, मिडल वाला केड़ा डिजिट है, टेंस डिजिट। टेंस डिजिट की वैल्यू कितनी है, जीरो है। बाकी सारे डिजिट का सम कितना बनता है, एट बनता है। अगे क्वेश्चन की कह रहे हो, द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द एक्सट्रीम डिजिट्स इज ग्रेटर दैन द नंबर इटसेल्फ बाय 198, फाइंड द नंबर। हुण क्वेश्चन दे विच की कह रहे है, मेरे कोल ओरिजिनल नंबर कितना सी 305। जेकर मैं दे एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब होंगे बारले, जेकर मैं बारले नू इंटरचेंज करा, जिथे फाइव है उत्थे थ्री गया, जिथे थ्री है उत्थे फाइव आ गया, तो कितना आ गया 503। कहिंदा न्यू नंबर दे विच्चों ओरिजिनल नू माइनस कर दो, तो आंसर कितना आ गया 198। आपां चैक करना है अपना आंसर 305 आ रहा है या नहीं आ रहा। यह तो मैं एग्जाम्पल ली है, आपां की इहनू चैक करके दसना है क्वेश्चन नू पूरा सॉल्व करके भी अपना आंसर 305 आएगा या नहीं आएगा। तो आपां लैट करके चलते हैं, लैट यूनिट डिजिट बी एक्स। यूनिट डिजिट का इक्वल है एक्स, जो ए वाला ना फाइव, इहनू मैं की मान लिया एक्स मान लिया। ओके, टेंस डिजिट, टेंस डिजिट कितना है मेरे को, जीरो, क्योंकि उन्हें क्या रखा है मिडल नंबर इज जीरो, उन्हें क्या रखा है मिडल वन इज जीरो, मिडल वन इज जीरो। एक क्वेश्चन दे विच क्या रखा है मिडल वन इज जीरो, जिवें इत्थे मैं जीरो लिखा दैट इज अ जीरो। नैक्सट इज हंड्रड्स डिजिट, नैक्सट इज हंड्रड्स डिजिट, इनकी वैल्यू कितनी बनेगी। हुण देखो मेरे को तीन नंबर है, तिना का सम कि आ रहा, एट आ रहा। ओके, जेकर मैं एक नंबर एक्स लिखा, जेकर एक नंबर की है एक्स, तो दूजा नंबर कि बनेगा एट माइनस एक्स। मैनू किमें पता लगा एट माइनस एक्स है, देखो आता जीरो ही हो गया, इनू तो रफ कर दो, ये तो मेरे को जीरो हो गया। ओके, हूँ की कह रहे हैं, हंड्रड्स डिजिट प्लस यूनिट डिजिट दैट इज इक्वल टू कि आ गया एट। हंड्रड्स डिजिट प्लस यूनिट डिजिट दैट इज इक्वल टू एट। हुण यूनिट डिजिट की वैल्यू पता है मैनू, यूनिट की वैल्यू कितनी है एक्स, तो हंड्रड्स कितना आ गया एट माइनस एक्स। ये चीज़ ध्यान रखनी है, हंड्रड्स डिजिट प्लस यूनिट डिजिट का इक्वल है एट दे। यूनिट डिजिट की वैल्यू कितनी है एक्स, तो हंड्रड्स की कितनी आ गई एट माइनस एक्स, क्योंकि जो एक्स है राइट साइड पर जाके की हो गया माइनस का हो गया, तो हंड्रड्स डिजिट कितना आ गया एट माइनस एक्स, क्योंकि क्वेश्चन दे विच क्या रखे है जो बाकी दो डिजिट बच गए, क्योंकि एक तो जीरो है, जो बाकी दो बच गए उन्हों का सम कि बन रहा है एट बन रहा है। ओके, हुण आपां इह क्वेश्चन नू सॉल्व करते हैं, तो थ्री डिजिट नंबर की बन गया, थ्री डिजिट नंबर, इहनू कहांगे आपां ओरिजिनल नंबर, इहनू की कहांगे आपां ओरिजिनल नंबर। तो बनता किवें आ, हंड्रड मल्टीप्लाई बाय हंड्रड्स डिजिट,
प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय टेंस डिजिट, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय यूनिट डिजिट। थ्री डिजिट नंबर क्या बनेगा, 100 नू 100 डिजिट नाल करांगे, 10 नू 10 डिजिट नाल करांगे, ते 1 नू यूनिट डिजिट नाल करांगे। तो देखो कितना आ गया इत्थे, 100 डिजिट कितना 8 माइनस एक्स, 10 डिजिट कितना मेरे को 0, ते यूनिट डिजिट कितना मेरे को एक्स। इनकी वैल्यू कितनी आ गई 8 माइनस एक्स, 10 डिजिट की कितनी आ गई 0, ते यूनिट की कितनी आ गई एक्स। मल्टीप्लाई करो 100 इंटू 8, ये बन गया 800, 100 इंटू एक्स 100x, ये तो 0 हो गया, 1 इंटू एक्स कि बन गया एक्स बन गया। देखो 100 नू 8 नाल कीता 800 बन गया, 100 नू एक्स नाल कीता 100x बन गया, 0 नू 10 नाल कीता 0 बन गया, एक्स नू 1 नाल कीता तो एक्स बच गया। हुण देखो ये दोवें आपस की एक माइनस है एक प्लस है, तो कि आ गया मेरे को 800 माइनस 99x। मेरे को ओरिजिनल नंबर आ गया 800 माइनस 99x, ये चीज़ तो आ गई। हुण मैं कढ़ना न्यू नंबर, इत्थे न्यू नंबर बनाया ना इंटरचेंज करके, तो न्यू नंबर की बनेगा, न्यू नंबर हुण की करांगे आपां, जो तो यूनिट प्लेस ते आ वो टेंस प्लेस ते आ गया, जो सॉरी 100 प्लेस ते आ गया, जो 100 प्लेस ते आ वो कित्थे गया यूनिट प्लेस ते, जिहड़ा तो यूनिट ते आ वो 100s ते गया, तो 100s वाला कित्थे गया यूनिट ते। दैट मीनस 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 10 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस एक्स। दोबारा देखो जो तो यूनिट ते सी वो 100 कोल गया, जिहड़ा 100 कोल सी वो किंदे कोल गया यूनिट कोल, तो एक्स आ गया 100 नाल, 8 माइनस एक्स आ गया 1 नाल, 0 आपदी जगह ते सेम है। तो देखो कितना बन गया 100 इंटू एक्स 100x, 1 इंटू 8 8 आ गया, 1 इंटू एक्स कितना आ गया एक्स आ गया। ओके हुण देखो 100x विचों एक एक्स माइनस किया तो कितना आ गया 99x प्लस की आ गया 8। तो मेरे को ओरिजिनल नंबर भी आ गया, न्यू नंबर भी आ गया। ओरिजिनल नंबर तो आ गया 800 माइनस 99x, न्यू नंबर कितना आया 99x प्लस 8। हुण अगे कंडीशन की कह रहा, देखो अगे कंडीशन की कह रहा, अगे कह रहा अपने को न्यू नंबर, न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर, आंसर कितना आ रहा 198। न्यू नंबर दे विच्चों जेकर ओरिजिनल नंबर नू माइनस करिए तो कितना आ जाएगा 198। न्यू नंबर कितना है मेरे को 99x प्लस 8, ओरिजिनल नंबर कितना है मेरे को 800 माइनस 99x इज इक्वल टू 198। न्यू नंबर आ गया ये चीज, ओरिजिनल नंबर आ गया ये वाला। ओके दोवों आपस माइनस करना है, कहदे इक्वल रखना 198 दे, क्वेश्चन दे विच क्या रखिया 198 दे इक्वल रखना। हुण ब्रैकेट ओपन करो इत्थे 99x प्लस 8 माइनस द 800, आ वाला माइनस ते माइनस की हो गया अपने को प्लस इज इक्वल टू कितना आ गया 198। देखो इत्थे ब्रैकेट ओपन की तो माइनस की हो गया अपने को प्लस, 99x प्लस 99x ये कितना हो गया 198। 198 जो 8 है राइट साइड से जाके माइनस हो गया, जो 800 है राइट साइड से जाके प्लस हो गया। देखो जो 8 है प्लस दा राइट साइड से जाके माइनस, जो माइनस दा 800 है वो भी क्यों हो गया प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस ते माइनस वाला प्लस। तो इत्थे कितना बचा अपने को, इत्थे बच गया मेरे को 990, इत्थे बच गया मेरे को 990। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 990 बाय 198, तो यह कितना आ गया 5। एक्स की वैल्यू कट के इनू कितने ते आ गई 5 ते आ गई। एक्स किनू मन्या सी आपां यूनिट डिजिट नू, सो यूनिट डिजिट कितना आ गया, यूनिट डिजिट 5, टेंस डिजिट कितना हो गया ये तो 0 ही है ये तो ठीक है, तो 100 डिजिट कितना हो गया दैट इज 8 माइनस 5, तो इतने कितना आ गया मेरे को 3। यूनिट तो 5 आ गया, टेंस 0 है, तो 100 कितना हो गया 3, तो 3 डिजिट नंबर की बन गया
थ्री डिजिट नंबर विच इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिजिट, 10 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 5। 100 इंटू 3 300 प्लस 5, तो मेरा आंसर कितना आ गया 305। दैट इज़ द आंसर। तो अपने को जो फाइनल थ्री डिजिट नंबर कितना आ गया 305, चेक कर सकते हो 305 दा उल्टा की बन गया 503। 503 विचों जदों तुसी 305 नूं माइनस करोगे तो आंसर कितना आ गया 198। आ चीज़ां ध्यान नाल समझनियां, ओरिजिनल नंबर ते न्यू नंबर, ये दो चीज़ां ध्यान नाल समझनियां। ओरिजिनल नंबर कित्थों बनेगा ते न्यू नंबर कित्थों बनेगा, ये चीज़ ही मेन क्वेश्चन दे विच है। ओके, उस तो बाद न्यू नंबर चों ओरिजिनल नंबर माइनस करना है तो आंसर कितना आ गया 198। जदों सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू कितनी 5 आई, तो बाकी अपने को आंसर आ गया थ्री डिजिट नंबर दैट इज़ इक्वल टू 305। अगली वीडियो के इंदा एक क्वेश्चन बाकी है, उन्होंने आप सॉल्व करांगे।